लालबाग की गली नंबर 7 क्षेत्र में एक भाई द्वारा बहन पर जान से मारने का आरोप तथा पैतृक संपत्ति खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया गया। साथ ही बहन द्वारा रेलवे अस्पताल में नौकरी करने को फर्जी अंक पत्रों के आधार पर बताया गया। बहन द्वारा कुछ असामाजिक तत्वों से मकान बिकवाने की भी बात कही गई। साथ ही भाई का कहना ये भी है कि मेरी माँ के बैंक खाते के साथ संयुक्त खाता था, जिसमें पिता के फंड की 5 लाख की राशि भी बहन द्वारा हड़प ली गई है। आगे जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा सत्य क्या है। मैम, नाम क्या आपका? मेरा मुमताज है। मैम, आपके भाई महबूब, जो कि मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने आप पे आरोप लगाया कि आप शानू नाम के बदमाश से उनको काफी बार जान से मारने की धमकी दे चुकी हैं। आप जान से मारने की कोशिश कर चुकी हैं। शानू से मेरा कोई वो नहीं है। शानू कोई किसी से मैंने धमकी नहीं दिलाई, मुझसे चला नहीं जाता। मैं बीमार लड़की हूँ। मैंने सबसे कह रखा है, महबूब से लेके सबसे, कि तुम मेरा ये मकान बिका दो, जो भी ज्यादा पैसे बिकाएगा, जो तुम्हारा होगा तुम ले लियो, और बाकी मुझे लोन कटवा दी। मैंने लोन बैंक से कर रही है, स्टेट बैंक। और उन्होंने आरोप ये लगाया कि आपने DRM को अपनी नौकरी बचाने के लिए 5 लाख रुपए दिए। अरे सर, मैं DRM के पास गई भी नहीं, मुझसे चला नहीं जा रही है। DRM के पास जैसे मुझे DRM ऑफिस में बुलाया तो अंदर रिक्शा में गई हूँ, सब पकड़ के मुझे ले गए। करीब 5 लाख रुपए उनकी आपकी माँ के सामने। मेरे माँ के स्टेट बैंक के कटघर में कोई खाता था, वो कोई औलाद निकाल के उनका सारा पैसा ले गई। उनके पास कोई पैसा नहीं था, क्योंकि वो बेचारी दाई पेशा काम कर रही थी, मेहनत सुबह की गई हुई, शाम को 30-40 रुपए कमा के लाया करे। उनका आरोप यह है कि माँ के साथ चंदा बेगम के बेटे, उनका कहना यह है कि माँ के साथ मेरा एक ज्वाइंट अकाउंट था, और उसकी चेकबुक और उसकी पासबुक जो है वो मेरी बहन के पास। कोई मेरे पास नहीं, वो उनकी माँ मर गई, वो जाने उनका काम जाने, हमें नहीं पता माँ को उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया। माँ 15 साल से इस मकान में रह रही है, खजूर वाली मस्जिद के पास, वो घर में रही है। दूसरा, आपकी जो ये नौकरी है वो पिताजी की जगह पर मृतक आश्रित कोटे से है? पिताजी जो थे मेरे, कभी उन्होंने नौकरी नहीं करी। इस वो थे क्या नाम है, सिर्फ फ्रेंड हो गए। मेरा एक 5 साल का भैया ना, जो बाथरूम में खत्म हो गया था, जिसके लिए कफन के लिए भी पैसा नहीं था, तो ब्याज से पैसे लेके कफन डलवाया। सर, क्या नाम है आपका? महबूब हुसैन। मैं वो भाई, क्यों बुलाया आपने हमें लोगों को यहाँ पर? मैंने इसलिए बुलाया है कि ये गली नंबर 7 में जो ये मेरे माँ ने मकान खरीदा। गली नंबर 7 कहाँ पर है? लालबाग। ये कौन सा थाना कहलाता है? मुगलपुरा। मुगलपुरा, क्या मामला है पूरा? मामला ये मेरी माँ का मकान है जिसमें मैं रहता हूँ। क्या नाम था आपकी माँ का? चंदा बेगम। वालिद का? वालिद का अली हुसैन। क्या काम करते आपके वालिद? वालिद मेरे रेलवे में थे। किस पद पे थे रेलवे में? रेलवे वर्कशॉप में थे ये, और जो मेरा बाप का पैसा मिला तो ये। अब क्या मामला, अब क्या मामला है? अब ये मामला ये है कि इस मकान में मैं रहता हूँ, लिहाजा ये है कि मुमताज मेरी जान के पीछे पड़ी हुई, इसमें दुश्मन बदमाश लगा दिए हैं इसने, शानू, जावेद और भी 20-25 आदमी हैं, जिसमें बाबर है, महफूज है, अयूब है। किस वजह से लगा दिए हैं ये मकान मुझसे खाली कराने के चक्कर में, कि या तो ये मकान खाली कर दे, नहीं तो ये जान से मरवा दूंगी मैं। मतलब कौन कह रही है आपकी बहन? बहन मुमताज। तो कहाँ रहती है आपकी बहन? ये कटाई शहीद नई आबादी, किंग मेडिकल, खजूर वाली मस्जिद पे, मुरादाबाद के अंदर। मुरादाबाद थाना कौन सा पड़ता है? थाना गल शहीद। शहीद पड़ता है। तो आपने कोई शिकायत की इसके बारे में? मैंने कप्तान साहब से शिकायत करी, कप्तान साहब के जरिए मैं दाखिल हुआ। कप्तान साहब से मुझे मदद चाहिए कि मेरे पीछे बदमाश लगे हुए हैं, और लिहाजा मैं हाथ जोड़ के आपको जो है बुलाया है मैंने कि मेरी मदद करी जाए, और मेरी जान का इन लोगों से खतरा, मेरी जान का बहुत ज़्यादा खतरा है, और कप्तान साहब को मैं लिखित रूप में भी दिया हूँ, लिहाजा मेरी जान बचाई जाए, इन लोगों को हिरासत में लिया जाए, ये लोग फरार हैं और ये अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। क्या धमकी दी जाती है? धमकी ये दी जाती है कि या तो अगर तू हाथ आ गया तो ये मार देंगे, नहीं तो तेरी बीवी को मार देंगे, इस मकान को खाली कर दे लालबाग वाले को, ये मकान तेरा नहीं है, ये मकान हमारा है। बदमाश कहते हैं शानू, जावेद, मुमताज और अयूब। बदमाश कहाँ के हैं? बदमाश ये एक तो है तबीला, जुम्मा का लड़का जावेद, नसीर। आपकी आपकी बहन ने? ये मुमताज है, सारे जितने भी है पूरा गैंग जो है पूरे सबके सरदार मुमताज है। मुमताज जी क्या करती हैं? ये रेलवे में है, जो मेरे बाप के पद पे लगी हुई है, जिसे रेलवे में किस पद पे हैं? ये लैब में है, लैब टेक्निकल में। तो कितने वर्षों से है लगभग? ये 17 साल से लगी हुई है, जकी अंसारी के टाइम से, और इन्हें फर्जी अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जिसमें अभी और बहुत टाइम हो गया। मैं DRM साहब को ऊपर तक मैंने दे दी, GM तक को दे दी इसकी,
लेकिन अभी तक पता नहीं क्या पैसा दे दिया, नहीं गया, खरीद लिया है लोगों को, समझ में नहीं आ रही।